सो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग? आपका स्वागत है प्रीत के मोबाइल पर। सो गाइस, आज वो चीज़ मिलने वाली है हमें जो पूरे साल की आपकी मेहनत बताएगी। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे आज क्या मिलने वाला है। आज मेरा 11th का रिजल्ट है और इसका यही मतलब है। व्लॉग क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। हम थोड़ा सा लेट है, मतलब अभी थोड़ा सा लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी मम्मा तैयार हो रही है और मैं तैयार हो चुका हूँ जैसे आपको दिख रहा है। तो अभी चलेंगे और अभी रिज़ल्ट लेके आएंगे। 11 बजे तक हमारे पास टाइम है, तो अभी चलते हैं। और उसके बाद पापा ने मुझे बोला है कि हमारा एक सरप्राइज़ वो प्लान कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो पास तो मैं पहले से ही था, तो इसका मैं आपको पूरा संतुष्टि दे देता हूँ, मैं फेल नहीं होने वाला इस वीडियो के अंदर। तो हमने पहले ही, मतलब मैं अपने मार्क्स देख चुका था पहले से ही। उन्होंने हमें बुलाया था कि अपने पेपर के मार्क्स देख लो कि आप पास हो कि फेल हो, बाकी आप बात कर लो टीचर से और डिस्कस कर लो कि आपके डाउट्स क्या है पेपर के अंदर। तो वहाँ पे मैं जाके करके आ गया था। तो अभी चलते हैं, रिजल्ट लेके आते हैं कितने। सो गाइस, पता नहीं पापा क्या दे रहे हैं मुझे सरप्राइज़ के तौर पे। मैंने सोचा था कोई ट्रिप दे देंगे अच्छे से, व्लॉग में कर लूँगा, थोड़ी सी सीरीज़ मिल जाएगी मुझे। पता नहीं क्या दे रहे हैं। तो गाइस, पता नहीं क्या दे रही है, देखो इन खड़े हुए ऐसे क्या दे रहे अरे हो, बच्चा पास हो गया, कुछ तो बनता है इसका। क्या बनना चाहिए बताओ क्या दे आप? रहे हो आप बताओ बच्चे को क्या देना चाहिए? नंबर तो इसके ठीक आए हैं, मतलब ना बहुत अच्छे आए हैं और बेकार भी नहीं आए, नंबर ठीक है। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं है कि बोर्ड टॉप करे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा कर ले। शायद से मुझे पता है मुझे क्या मिलने वाला और है। ये दे रहे हैं सहज को हम उसका गिफ्ट। सो गाइस, लगभग मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे मिल गई है गैलेक्सी वॉच 4। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था, मेरे पापा को मैंने बोला भी था, इन्होंने कुछ लिया है। सो मच हैप्पी कि मतलब पापा ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया मुझे कि जो मैंने इनको मांगा था उसी टाइम इन्होंने दे दिया। लेकिन मैं इसको ये कह रहा हूँ बेटा, तू मेरी वाली वॉच ले ले, ये मैं रख लेता हूँ। चलिए अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो ऑन हो गई हमारी वॉच। गाइस, अभी मैंने इसके अंदर लैंग्वेज सेट कर ली अपनी, एंड अभी हमारा लास्ट जो रहता है उसके अंदर हमें अपने गैलेक्सी वेरिएबल जो हमारा होता है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप को। तो
तो उसके लिए एक सेकेंड मुझे दीजिए और मैं उसको डाउनलोड करके आपसे मिलता हूँ। गाइस अभी हमारी वॉच रेडी है, वो कह रही है कि एक बार ये मेरा टूर ले लो, तो चलिए टूर लेते हैं। पकड़ के रखेंगे इसको, ऐसे दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। डैट्स इट, डोंट मिस अ थिंग। द ऑरेंज डॉट इंडिकेट्स न्यू नोटिफिकेशन, आई नो दैट। न्यू नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया, निकल जाओ। हाँ सो गाइस ये हमारी वॉच है, इसका मैंने वॉच फेस अभी चेंज किया है, वैसे ये नहीं था, इसका मैंने चेंज किया अभी वॉच फेस। बाकी वॉच तो बहुत तगड़ी वॉच है, जो मुझे जैसे पता है कि वॉच 4 है, लेटेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी आप देख सकते हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन, स्लीप, वेदर, ये आपका कैलेंडर है, हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्ट्रेस का इन्होंने ये भी चेंज कर दिया। अगर मैं बाकी अभी आप इसको टाइल्स को ऐड करना चाहते हो, जैसे नॉर्मल उसके अंदर था वैसे ही इसके अंदर भी है, हम इसके अंदर टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। अरे पता है मत बताओ। बॉडी ऑक्सीजन आपने कितनी इनटेक करी है, एंड फूड आपने कितना इनटेक किया है, हेल्थ समरी आपको मिलेगी, आपके ये स्टेप्स आ गए। और टुगेदर आपको, जैसे आपको किसी के साथ जिसके पास एक और वॉच है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके कितने आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाटर का इनटेक कर सकते हैं कि मतलब मैंने इतने गिलास वाटर पी चुके हैं हम। एंड ये आपका वुमेंस हेल्थ है, वेदर, वर्ल्ड क्लॉक, ये मैं लगाना चाहूँगा क्योंकि मुझे चाहिए होगी कि भाई साहब कितने किस कंट्री का हो रहा है। तो इसके अंदर अभी बाद में देखेंगे कौन सी डालनी है। चलो अभी बैक में इसका थोड़ा सा अलग इन्होंने किया है, इतना मतलब मैंने वॉच 1 के अंदर मेरे ख्याल से ये नहीं था, मतलब थोड़ा सा सेंसर इन्होंने शायद से बड़ा किया है, क्योंकि पीछे का ये मतलब आगे का जो डायल है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे दो बटन है, यहाँ पे मैंने पहन लिया, अभी मुझे ये नहीं पता कि मैंने अच्छे तरीके से पहनी है कि गलत तरीके से पहनी है, बट मैंने पहन लिया है। एंड तो इसके अंदर हमारा नॉर्मल जैसे लाइट इसके अंदर जलती है वैसे ही इसके अंदर भी जलती है। यस यही है वॉच के अंदर, और थोड़े बहुत फीचर्स हैं मैं आप। हमें एक और चीज़ कवर करनी है, वो है हमारा चार्जर। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेबी चार्जर दिया है, कि बहुत छोटा है ये मेरे ख्याल से, बट ये वॉच 2 के जितना ही चार्जर है, जहाँ तक मुझे याद है जो मैंने देखी थी वॉच 2 उसके जितना ही चार्जर है। और मैं आपको एक बार वॉच 1 का चार्जर दिखाता हूँ। सो गाइस ये है हमारा वॉच 1 का चार्जर, थोड़ा सा गंदा हो चुका है, मैंने क्लीन नहीं किया अभी। एंड ये एक तरह से टेबल चार्जर है कि यहाँ पे इसको रखो एंड चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, पीछे से लग जाएगा। एंड इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर लेटा के करना पड़ेगा पूरा उसको स्लीप मोड में डाल के। गाइज आप एक बारी बता दो कमेंट बॉक्स में कौन सी वाली अच्छी है, ये थोड़ी सी पुरानी है बट जी शॉक है, आप देख सकते हैं कैसियो है। एंड इसका अलग ही है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये है स्मार्ट वॉच, ये है नॉर्मल वॉच डिजिटल। एंड मेन आपको कौन इसका चेंज दिखाना है कि सबसे पुरानी फर्स्ट वॉच जो थी उसके अंदर क्या अच्छा है, और जो अभी तक की लेटेस्ट आई है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको कौन सी अच्छी लगती है आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी पार्टी अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगा कि मैं आगे क्या सोच रहा हूँ व्लॉगिंग के बारे में, अपने चैनल के बारे में। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस आप देख सकते हैं हाथ पे भी मुझे अच्छी लग रही है ये घड़ी, एंड पूरा लुक आ रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे है
एंड पापा को मैंने थैंक यू अभी तक नहीं बोला, तो अगर आप ये वीडियो अभी देखेंगे पापा, सो थैंक यू पापा फॉर दिस गिफ्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी।